अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आपने के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बकरीद स्पेशल में कच्चे खीमे के कबाब। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये बकरीद के कच्चे खीमे के कबाब। बहुत शौक से खाए जाते हैं, बहुत मज़े ले लेके लोग खा रहे होते हैं। आप लोग भी मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे रूखे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, और इसको चपाती और पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बकरीद स्पेशल कच्चे खीमे के कबाब बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान, और आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बकरीद स्पेशल में कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये बकरीद पर, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़े लेके खाते हैं। आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है, इसको मैं चॉपर में पीसूंगी तमाम चीज़ें डाल के। कीमा डालूंगी इसमें पहले, इसको मैंने वॉश करने के बाद छन्नी में रख दिया था कीमे को, सारा पानी निकल गया अच्छी तरह से। ये मैंने हाथ का कीमा लिया है, चॉपर में पीस रही हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसूंगी, थोड़ा सा दरदरा रखूँगी। अब इसमें और चीज़ें डालूँगी, एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून मैंने चने का पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसमें 3 टेबल स्पून बेसन भी भून के डाल सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको मैंने कट कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। 3 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है, 3 टेबल स्पून हरा धनिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। दो टेबल स्पून ब्राउन प्याज है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं चॉपर में, अब इसको मैं पीस लूँगी दरदरा, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका। कीमे को मैंने पीस लिया है तमाम चीज़ें डाल के चॉपर में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने इसको, दरदरा रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैरिनेट करके मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब मैं कबाब बनाऊंगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी, हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है, हल्का सा ऑयल का हाथ लगाऊंगी मैं। अब इसके कबाब बनाऊंगी। 1 कोफ्ते के बराबर लिया है मैंने इसका मिक्सचर कीमे का। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो चलिए फिर इसको फ्राई करते हैं। कबाबों को अब मैं फ्राई करूँगी, इसको मैं शेलो फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/4 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं कबाब फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं कबाब डाल रही हूँ। कबाब मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड होने में, उसके बाद मैं इसको टर्न कर दूँगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको पलट दूँगी। ये आप देख सकते हैं अच्छे से कलर आ गया। कबाब फ्राई हो गए हैं, हमें इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से और भी फ्राई कर लूंगी मैं। कबाब
कबाब फ्राई हो गया, हमने इसको निकाल लिए, ऑयल निकाल देंगे इसको। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये कच्चे केमे के कबाब तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप इसे रूके भी खा सकते हैं चटनी के साथ, और इसको चपाती और पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ, ग्रीन चटनी है ये, दही वाली, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके साथ ये। इस रेसिपी की वीडियो आप बहुत जल्द देख सकेंगे मेरे चैनल पर। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार से कबाब हैं ये, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार। ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप जब बकरे के पेसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने टेस्टी हैं ये। जी तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब। बकरे के स्पेशल में मैंने इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।